हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कर्सर को ब्लेंड मोड का इफ़ेक्ट किस तरह से दिया जा सकता है वेबफ्लो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बनाना होगा कर्सर, जो मैं लास्ट वीडियो में भी बना चुकी हूँ, बट ये ब्लेंड मोड का इफ़ेक्ट मैंने नहीं सिखाया था, तो आज हम ये भी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक डिव, ठीक है, जो कि हमारे सॉरी डिव ड्रॉप डाउन आ गया था, ठीक है, और इसको आप दे दें क्लास सी डैश रैपर। यहाँ से हो जाएगा ये फ्लैक्स सेंटर पोजीशन फिक्स्ड फुल, और जेड इंडेक्स आप दे दें अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ आप इसको बॉडी के नीचे रख लें। एक और लेंगे डिप, आप इसको नाम दे दें सी डैश कर्सर, यानी कस्टम कर्सर, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्टाइल करेंगे, ठीक है जी। ये हमारा कर्सर स्टाइल हो चुका है कुछ इस तरह से, मैंने इसको वाइट कलर दिया है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे इसमें एनिमेशन पेज ट्रिगर में, माउस मूव इन व्यू पोर्ट। यहाँ हम न्यू बना लेते हैं कस्टम कर्सर, ठीक है। आपने सिलेक्ट करना है इस डिव को, सी डैश कर्सर को, और यहाँ से आपने प्लस के साइन पे मूव करके मूव पे आना है, ठीक है। यहाँ आप इसको मूव करवाएं -50 VW, ठीक है। हाँ, आप इसको मूव करवाएंगे 50 VW, ठीक है। इसी तरह आप वाई में मूव करवाएं -50 VH, यहाँ आप दे देंगे 50 VH, ठीक है। तो ये हमारे पास लग गई इंटरेक्शन। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल सही काम कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है। एक बार पब्लिश भी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस कर्सर पे हम ब्लेंड मोड का इफेक्ट लगाएंगे, जिससे ये अपने बैकग्राउंड को देखते हुए अपना कलर चेंज कर देगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ मैं आई तो मेरा ये कर्सर वाइट पे वाइट ही रहा, तो नहीं दिख रहा, छुप गया। तो जब हम इसे ब्लेंड मोड का इफेक्ट लगाएंगे तो ये वाइट पे ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक पे वाइट हो जाएगा, कुछ इस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। तो आपने आना है ये इस रैपर पे, सी डैश रैपर पे आना है, और यहाँ से आपने आना है इफेक्ट में। इफेक्ट में ये लिखा हुआ है ब्लेंडिंग, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको ये सिलेक्ट कर लेना है डिफरेंस, ठीक है। तो अब हम इसको अगर प्ले करके देखें तो ये देखें कैसे हमारे पास दिख रहा है। यहाँ पे वाइट है, येलो के ऊपर इसने ब्लू कलर ले लिया, ठीक है, ये देखें। और अगर मैं वाइट पे आऊँगी तो ये ब्लैक कलर ले रहा है, ठीक है। तो ये हमने इसमें ब्लेंड मोड का इफेक्ट डालने की वजह से ये हमें ऐसे नज़र आ रहा है। पब्लिश करके भी देख लेते हैं एक बार। ब्लेंड मोड का इफेक्ट आ गया बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है इस इफेक्ट को देने का ना। आप यहाँ से आ जाएं, जहाँ आपने ये दिया है इफेक्ट, आप इसको हटा दें। वैसे ये तरीका बेस्ट है जो मैंने अभी आपको सिखाया, बट मैं दोनों तरीके आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है मिक्स डैश ब्लेंड डैश मोड, यहाँ आप लिख दें डिफरेंस, बात वो एक ही है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। देखिए, ये सेम वैसे ही वर्क कर रहा है जैसे हमारे पास इफेक्ट में वर्क कर रहा था, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही बहुत आसान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।